हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो गाइस, आज हम आपका स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर के लेक्चर चल रहे थे उसमें आपका नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम आपके जनवरी के जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हैं उसको यहाँ कवरअप करेंगे। ठीक है, साथ में आपका जनवरी के रिलेटेड जो करंट अफेयर्स की वीडियोस आ रही थी, ठीक है, आपको वीडियोस मिल रही होंगी रेगुलर टाइम टू टाइम, उसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप JK एग्जाम के कृपया आप सब लोगों को अवेलेबल है। प्लस आप लोगों को एक पॉइंट और ऐड कर दूँ, राइट फ्रॉम 1st of June हम लोग आपको रेगुलर जो करंट अफेयर रहेंगे उसकी वीडियोस प्रोवाइड करा करेंगे। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। चलिए, अगर जनवरी के करंट अफेयर की बात करूं तो यहां पे सबसे पहला आपका पार्ट आता है यहां पे कि इंडियन रेसलर, ठीक है, अंशु मलिक, ठीक है, ये आपकी इंडियन रेसलर थी, इसने आपका एक जो वर्ल्ड रेसलिंग वर्ल्ड कप जो होता था आपका, ठीक है, जो रेसलिंग वर्ल्ड कप है जो इस बार कहाँ पे हुआ था आपका, यहाँ पे बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था, ठीक है, इसमें इसने पोडियम पोजीशन, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रेसलर है जिसने आपकी पोडियम पोजीशन, पोडियम आपको पता क्या होता है, जो स्टैंड होता है ना जहाँ पे आपके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन खड़े होते हैं, उसने आपकी फर्स्ट रेसलर है जिसने पोडियम पोजीशन हासिल की थी। ठीक है, ये आपकी फ्री स्टाइल रेसलर है, इसको सिल्वर अवार्ड मिला है, इसको सिल्वर अवार्ड मिला है 57 kg वेट कैटेगरी में। ठीक है, किसने आपका यहाँ पे 57 वेट कैटेगरी में, ठीक है, ये जो फाइनल था, फाइनल में मैच आपकी हार गई थी, हारी किससे मैच से आप यहाँ पे एंटेसिका, ठीक है, एंटेसिका नाम था पर्सन का, ठीक है, उससे आपका ये फाइनल मैच हारी थी, किसमें आपका यहाँ पे वुमेन्स फ्री स्टाइल रेसलिंग में, वुमेन फ्री स्टाइल रेसलिंग में और 7 kg वेट में। अगर मैं बात करूं आपकी यहाँ पे एंटेसिका जो है, ठीक है, एंटेसिया कुछ नाम है यहाँ पे, एंटेसिया, ठीक है, ए, ठीक है, एंटेसिया जो है ये कौन से देश की है आपकी यहाँ पे, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे मेरे पास मोल्डोवा। ठीक है, कहाँ के आपके यहाँ पे मोल्डोवा, इसने फाइनल आपका जो था इसको गोल्ड प्राइज यहाँ पे मिला था। ठीक है, जो ये आपका हुआ था वर्ल्ड, जो आपका रेसलिंग वर्ल्ड कप हुआ था इसमें इंडिया को इकलौता एक ही प्राइज मिला था और इंडिया की जो पोजीशन थी यहाँ पे, इंडिया की 15th पोजीशन आई थी। ठीक है, इंडिया की 15th पोजीशन आई थी किसमें आपकी यहाँ पे रेसलिंग वर्ल्ड कप में, और इसको इंडिया को एक ही प्राइज मिला था, कौन सा मिला था मेरे पास यहाँ पे आपका, आपका सिल्वर प्राइज एट 75 kg वुमेन्स फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी में, किसको मिला था आपका यहाँ पे अंशु मलिक को, और जो फाइनल था वो कौन जीता आपका यहाँ पे एंटासिया, जो कहाँ की है आपकी यहाँ पे मोल्डोवा की। ठीक है, सो ये आपको चीज़ इंपॉर्टेंट थी, साथ साथ में पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस PDF में आपको सभी पॉइंट नहीं लिखे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उनको साथ साथ पेन डाउन करते रहना। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे, जो आपकी एक बैडमिंटन, ठीक है, द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, क्या आपका यहाँ पे BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, हैज इम्पोज ए 5-year बैन ऑन रशियन शटलर, एक रशियन शटलर था जिसका नाम क्या है आपका यहाँ पे निकिता खाकी मूव फॉर चार्ज ऑफ, ठीक है, बैटिंग, ठीक है, वेजरिंग एंड इरेगुलर मैच रिजल्ट। खाकी मूव वॉज द पार्ट ऑफ रशियन मेन्स टीम दैट वन द ब्रोन मेडल एट द 2020 यूरोपियन टीम चैंपियनशिप, और ये जो आपका इवेंट है जिसके कारण उसको बैन लगा है वो इवेंट था आपका यहाँ पे 2018 का। कौन सा इवेंट था आपका यहाँ पे 2018 का, जिसमें क्या था, इसने शायद जो आपका जो विसल पो होते हैं ना पर्सन, उनको कुछ बोला था कि इसका रिजल्ट ये निकाला जाए, तो इसलिए इस पर्सन पे आपका यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे क्या लगा है मेरे पास आपका बैन लगा है। क्या लगा आपका यहाँ पे 5 साल का इस पे आपका बैन लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ मूव करते हैं आपका, नेक्स्ट क्या है यहाँ देखो आपको जनवरी में, यह आपका यहाँ पे ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। ठीक है, ये आपको किसका, किसको मिला है मेरे पास, MS धोनी को, कब मिला था आपका 27th of December 2020 को। अब किस लिए मिला था यहाँ पे, फॉर हिज गेस्टर ऑफ कॉलिंग बैक इंग्लैंड बैट्समैन एन बेल आफ्टर ए बिजर रन आउट इन द नॉटिंगटम टेस्ट मैच 2011 का टेस्ट मैच था, कहाँ पे खेला जा रहा था आपका यहाँ पे नॉटिंगम में खेला जा रहा था, उसके कारण उसमें उसने क्या किया कि मुझे प्रॉपर इंसिडेंट याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था कि एन बेल ने लंच से जब टी से पहले की जो लास्ट बॉल थी उस पर
एक 4 रन स्कोर किए, लेकिन वो जो एक्चुअल में जो बॉल थी वो आपकी बाउंड्री को हिट नहीं हुई थी, वो बाउंड्री से पहले आपकी रुक गई थी, तो महेंद्र सिंह धोनी ने उसको वहां रन आउट कर दिया। अब क्या हुआ, जब अंपायर ने देखा कि वो रन आउट हुआ है तो उसने इसको आयरन बेल को रन आउट करार दे दिया, लेकिन आयरन बेल अपने हिसाब से लंच के लिए जा रहा था क्योंकि उसको ऐसा लगा कि शायद 4 रन हो चुके हैं ना, शायद 4 हो चुका है। देन क्या किया, लंच के बाद धोनी ने आयरन बेल को वापस बुला लिया बैटिंग करने के लिए कि ऐसा गलती से हो गया है, आपकी भी कोई मिस्टेक नहीं है, आपको ऐसा लगा और हमने आपको आउट कर दिया, आप फिर से बैटिंग करने के लिए आ सकते हो। तो इसलिए महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पे ICC स्पिरिट ऑफ द डिकेड अवार्ड यहाँ पे मिला था। ठीक है, अब क्या है, ये किस किस को मिलते हैं, ये तो डिकेड अवार्ड आपके यहाँ पे हुए 2020 के, 2020 से 2019 में मिला था यहाँ पे आपका विराट कोहली को, फिर केन विलियमसन, ये आपको इतना याद नहीं रखने हैं लेकिन 2020 का आपको याद रखना है मेरे पास। अब इसके साथ साथ मैंने आपको और कुछ पॉइंट बताए थे यहाँ पे, जो क्या है यहाँ पे आपके कि ICC अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ मिला है, उसके अलावा ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसको मिला है आपका यहाँ पे मेरे पास, विराट कोहली को, ये आपकी मेंस की T20 टीम है, ये आपकी यहाँ पे मेंस की ODI टीम ऑफ द डिकेड अवार्ड यहाँ मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे आपका चेस ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं। चेस ग्रैंड मास्टर में ये आपके पर्सन है, ठीक है, ये आपके पर्सन है जिन्होंने, जिसका नाम है आपका यहाँ पे लियोन मैंडोन का। ठीक है, ये कौन है आपके यहाँ पे, ये इंडिया के 67th ग्रैंड मास्टर है, इंडिया के 67th ग्रैंड मास्टर है। इससे पहले जो 66 ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था यहाँ पे आपका जी आकाश, का नाम था जी आकाश, जो आपका इवेंट कहाँ पे हुआ था मेरे पास आपका जुलाई में। अब ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर का मतलब क्या है, ये आपका जो ग्रैंड मास्टर जो नाम है ये लिंक करता है गेम के साथ, जिसका नाम क्या है आपका यहाँ पे चेस। ठीक है, ये किसको दिया जाता है, इज अ टाइटल अवार्डेड टू चेस प्लेयर बाय द वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास जो है उसकी तरफ से यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 20 जुलाई 1924 को आपकी जो मेरे पास क्या हुई थी बनी थी उसके द्वारा ये आपका अवार्ड दिया जाता है, जिसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका यहाँ पे लोसान आपका स्विट्जरलैंड में क्या है मेरे पास आपका इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे स्थित है। अब ये क्या है, अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्रैंड मास्टर इज अ टाइटल, इज द हाइएस्ट टाइटल ए चेस प्लेयर कैन अटेन। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के अलावा ये आपका एक हाईएस्ट टाइटल है जो चेस मास्टर को, जो चेस के प्लेयर को मिलना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, लियोन मैंडोन का जो है वो मेरे पास 67th आपके ग्रैंड मास्टर बने हैं। कब बने हैं आपके यहाँ पे, जनवरी में बने हैं, और इनकी एज क्या है, जब ये ग्रैंड मास्टर बने थे इनकी एज थी यहाँ पे 14 साल आपके 7 महीने और 9 महीने और आपके यहाँ पे 17 दिन। और ये क्या थे, ये आपके सेकंड ग्रैंड मास्टर है कहाँ से, आपके कोस्टल स्टेट के, किस स्टेट के आपके यहाँ पे, कोस्टल स्टेट के, आप कहाँ के हैं ये आपको बताना है। अब क्या है, जो सबसे कम उम्र के आपके चेस ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम क्या है, वो कहाँ के हैं आपके, रशिया के, जिनका नाम है आपका यहाँ पे सर्गे काजाकिन। ठीक है, सर्गे काजाकिन नाम है इनका यहाँ पे, और ये कहाँ के हैं आपके, गोवा, रशिया के हैं। और इनकी जो एज थी 2003 में इनको ग्रैंड मास्टर अवार्ड मिला था, उनकी एज क्या थी, 12 साल एंड 7 महीने। ये सबसे यंगेस्ट आपके क्या है यहाँ पे, चेस ग्रैंड मास्टर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ मूव करते हैं आपका, ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से आपका मेरे पास खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट, जो कि कहाँ खेली गई आपकी यहाँ पे, करगिल में खेली गई है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, खेलो इंडिया हॉकी टूर्नामेंट जो आपकी कहाँ खेली गई मेरे पास, आपकी चिकतन इन करगिल लद्दाख में आपकी यहाँ पे टूर्नामेंट खेली गई है। इसमें क्या था आपका यहाँ पे, ये इनॉग्रेट किसने की, इनॉग्रेट की यहाँ पे SDM जिनका नाम है आपका यहाँ पे शाकर चिकतन नाम है इनका यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी टोटल यहाँ पे 13 टीम थी, जिसमें आपकी 11 टीमें थी मेंस की और 2 टीम किसकी थी आपकी यहाँ पे वुमेन्स की। टोटल यहाँ पे 13 टीम ने पार्टिसिपेट किया और इसको इनॉग्रेट किसने किया मेरे पास यहाँ पे, SDM शाकर चिकतन ने इनको यहाँ पे आपका इनॉग्रेट किया। और यहाँ पे अगर आपको और कुछ पूछ सकते हैं लद्दाख के बारे में तो पूछ सकते हैं, आपका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के कौन है आपके यहाँ पे, राधा कृष्णा माथुर जो है वो क्या आपके यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, LTGT जिसको आप यहाँ बोलते हो। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इनका नाम क्या है आपका यहाँ पे, किरण रिजू नाम है मेरे पास यहाँ पे इनका, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का। ठीक है, अब आपको इसमें यही पॉइंट पूछ सकते हैं कि आपका खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहां पे हुआ, आप बोलोगे यहां पे चिकतन इन करगिल लद्दाख में हुआ, इसको इनॉग्रेट किसने किया आपका यहां पे, SDM जिनका नाम था आपका यहां पे शाकर
चिकन, ठीक है, उसके साथ साथ कितनी टीम थी यहाँ पे, टोटल आपकी 13 टीम थी, 11 मैन की और दो थी आपकी यहाँ पे वुमेन की टीम। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख कौन है, जिनका नाम है राधा कृष्णा माथुर, ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एंड अफेयर्स कौन है आपके यहाँ पे, किरण रिजू, ठीक है, यही आपको यहाँ पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फीमेल अंपायर कौन थी मेरे पास आपकी यहाँ पे, आपकी क्लेयर पोरोसाक, जो कहाँ की थी आपकी, ऑस्ट्रेलिया की, कहाँ की थी आपकी यहाँ पे, साउथ वेल्स एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ की है ये फर्स्ट फीमेल अंपायर है। इनकी एज है यहाँ पे 32 ईयर, क्या है यहाँ पे आपका 32 ईयर, और इनको यहाँ पे थर्ड अंपायर का नहीं फोर्थ अंपायर का एक पोजीशन मिली थी। देखो आपने नाम सुना होगा फर्स्ट अंपायर सेकंड अंपायर, ठीक है, थर्ड अंपायर आपने नाम सुना होगा, लेकिन फोर्थ अंपायर कौन होता है, उसका काम क्या होता है, वो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि फोर्थ अंपायर का क्रिकेट मैच में काम एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ याद हो गया मेरे पास कौन है आपकी यहाँ पे, क्लेयर पोरोसाक, जो क्या थी आपकी यहाँ पे फर्स्ट फीमेल अंपायर थी, कहाँ से थी आपकी यहाँ पे, साउथ वेल ऑस्ट्रेलिया से, इनकी एज क्या थी यहाँ पे आपकी 32, और किस पोजीशन पे थी आपकी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड टेस्ट मैच था उसमें ये आपकी फोर्थ अंपायर थी, ठीक है। क्या नाम था यहाँ से मेरे पास आपका यहाँ पे, क्लेयर पोरोसाक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ से आपका, नेक्स्ट यहाँ बनता है आपका, देखो कि BCCI ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑन ICC बोर्ड में ये कौन थे आपके, इस पर्सन का नाम क्या है आपका यहाँ पे, जय शाह, क्या नाम है यहाँ पे, जय शाह, और ये कौन है, ये अमित शाह के बेटे हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। जय शाह बाय रिप्लेसिंग सौरभ गांगुली, जो कौन है अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ BCCI है, ठीक है, ये कौन सा, ये BCCI के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे ऑन ICC, कहाँ पे आपका यहाँ पे, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में मेरे पास कौन थे आपके, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव थे इन प्लेस ऑफ सौरभ गांगुली, ठीक है। अब BCCI के आपके यहाँ पे बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC मेरे पास क्या है, ये आपका इन सब का एक बड़ा बोर्ड है जो सब कुछ आपका देखता है। अब हेडक्वार्टर ऑफ BCCI कहाँ पे है, मुंबई में, महाराष्ट्र में, जो कि आपका फाउंडेड कब हुआ था, दिसंबर में 1928 में, कब हुआ था यहाँ पे आपका, दिसंबर 1928 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ढाका मैराथन 2021, ढाका मैराथन जो थी आपकी 2021, इसमें आपका जो लद्दाख था, लद्दाख से एक पर्सन था जिसका नाम था आपका यहाँ पे जिगमर डोलमा, जिन्होंने आपका फोर्थ प्लेस यहाँ पे हासिल किया है, जिन्होंने यहाँ पे आपका फोर्थ प्लेस हासिल किया है। मैराथन को आपसे पता चल ही गया होगा कि मैराथन का मतलब क्या है, किससे रिलेट करता है आपका यहाँ पे। अब जिगमर डोलमा कौन थे, फोर्थ पोजिशन पे ढाका मैराथन 2021, और ये कौन है, SPO ऑफ लद्दाख पुलिस, कौन है, SPO ऑफ लद्दाख पुलिस है, ठीक है। उसके अलावा बहादुर सिंह ऑफ इंडिया, ये कौन थे, मैन कैटेगरी में थे आपके यहाँ पे। पुष्पा भंडारी नेपाल की, ये कौन थी आपकी यहाँ पे, वुमेन्स कैटेगरी में थी आपकी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो पूरा मैराथन था ये था आपका 42.19 किलोमीटर का, मतलब आपका यहाँ पे 42 किलोमीटर और 190 मीटर इतने की आपकी पूरी मेरे पास क्या थी, मैराथन थी, ठीक है। द मैराथन वाज ऑर्गेनाइज टू, ठीक है, कुमेमोरेट द रिटर्न ऑफ, ठीक है, बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान फ्रॉम पाकिस्तान जेल टू बांग्लादेश इन 1972, ठीक है। आपके एक पर्सन थे जिनका नाम क्या था आपका यहाँ पे, बंगा बंधु शेख मुजीबुर, ठीक है, रहमान, जिनकी जब पाकिस्तान जेल से रिटर्न हुई थी कहाँ पे, बांग्लादेश में इन 1972, उनके आप बोल सकते हो कि उनके याद में आपकी ये मैराथन मेरे पास मनाई जाती है, ठीक है। ये आपकी मैराथन यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं आपका क्या है, नेक्स्ट है यहाँ से आपका कि खेलो इंडिया जांस्कर कहाँ पे है आपका यहाँ पे मेरे पास, आपका लद्दाख में है। खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021, ठीक है, ये कब हुआ था, ये मेरे पास टोटल आपका 13 डे का फेस्टिवल था, जो आपका 18 जनवरी को स्टार्ट हुआ और आपका 30th ऑफ जनवरी को खत्म हो गया था। टोटल आपका ये 13 डेज का फेस्टिवल था। अभी फेस्टिवल होता क्यों है, क्योंकि आप लोगों को कल्चर के बारे में पता लगे लद्दाख के, ठीक है। अब ये कहां पे आपका ऑर्गेनाइज हुआ था, टुक प्लेस एट जांस्कर वैली ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, आपको पता है
कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अब दोनों आपकी अलग अलग होके यूटी बन चुकी है। ठीक है, ये क्या था आपका यहाँ पे, इस सीरीज ऑफ स्नो बेस्ड एक्टिविटीज विल बी हेल्ड फ्रॉम 13 डेज, आपकी 13 दिन की एक्टिविटी यहाँ पे हुई थी मेरे पास, कहाँ पे, आपके लद्दाख में, आपको यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग यहाँ एक बार देख लेना, और कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछ सकते हैं खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 कितने दिन का था, आप बोलोगे 13 डेज का। इनॉग्रेट कब हुआ आपका यहाँ पे, 18 से लेकर आपका 30 तारीख के बीच में ये हुआ था। ठीक है, चलिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां बेटा आपका, देखो 2020 टोक्यो थाईलैंड बैडमिंटन ओपन, ठीक है, क्या था आपका यहां पे, 2020 टोक्यो थाईलैंड बैडमिंटन ओपन जो है ये मेरे पास, इसमें जीता कौन, ठीक है, फाइनल, फाइनल की अगर बात करूं तो सबसे पहले देखो यहां पे ये जो आपकी टूर्नामेंट है, ठीक है, द टोक्यो थाईलैंड ओपन वाज द 9th टूर्नामेंट ऑफ द 2020 आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ थाईलैंड ओपन चैंपियनशिप विच हैड बीन हेल्ड सिंस 1984 से आपकी ये मेरे पास टूर्नामेंट खेली जा रही है। दिस टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाई बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड एंड सेंक्शन बाय द BWF, इसको ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे थाईलैंड की बैडमिंटन एसोसिएशन ने, और इसको मेरे पास सेंक्शन किसने किया आपका यहाँ पे, BWF ने। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, द टोक्यो थाईलैंड ओपन वॉज ए बैडमिंटन टूर्नामेंट दैट टुक प्लेस, कब हुई आपकी मेरे पास थाईलैंड में, कब से कब आपका यहाँ पे, ये आपका 5 दिनों का हुआ था, 19 से आपका 24 के बीच में। ठीक है, आपका सॉरी 6 दिन का हुआ था, 19 से 24 के बीच में मेरे पास ये टूर्नामेंट खेला गया था। अब इसके अगर विनर्स की बात करूँ तो आपको सिर्फ विनर्स के नाम याद रखने हैं। अगर मैन सिंगल की बात करूँ तो आपका विक्टोर एरिक्सन जो कहाँ के थे, डेनमार्क के, जो आपका फाइनल यहाँ पे जीते थे। फिर आपकी वुमेन सिंगल की बात करूँ तो यहाँ पे कैरोलिना मारिन जो है, जो कहाँ की थी आपकी, स्पेन की, जो कि आपका फाइनल जीती थी वुमेन्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पे आपका डबल्स के बारे में, पूछ सकते हैं आपको यहाँ, अगर डबल्स के बारे में देखोगे आप यहाँ पे विनर्स ऑफ द डबल टाइटल, जिसमें क्या थे आपके यहाँ पे मेंस डबल में मेरे पास जो आपके ताइवान के कौन थे यहाँ पे, ली यांग और आपका वैंग शालीन, ठीक है, जो कौन थे आपके मेरे पास, आपके फाइनल जीते हैं किससे, आपके मलेशिया की टीम से। ठीक है, उसके बाद वुमेन्स में कौन था, वुमेन्स में इंडोनेशिया आपकी फाइनल जीती है, जो जिनके 2 प्लेयरों का नाम क्या था आपका यहाँ पे, ग्रियसिया पोली एंड एप्री यानी रिहाडू। ठीक है, एप्री यानी राहयू मेरे पास कौन थे आपके यहाँ पे, जो आपके फाइनल लेते हैं, वर्ड है डिफरेंट से वर्ड है, हम कोई मलेशिया के रहने वाले तो है नहीं ना कि हम लोग सही तरीके से वर्ड यहाँ प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, हम अगर देखो अगर आप लोग अभी किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, जैसे हम जम्मू के हैं ना, तो आप जाके साउथ के पर्सन का कोई वर्ड सुनोगे तो उसका प्रोनाउंस करने का तरीका अलग होगा, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना, बस जो आपके स्पेलिंग है, जो नाम है, वो आपके दिमाग में यहाँ पे छिप जाने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है आपका विनर ऑफ मिक्स डबल कौन था। ठीक है, ये सब आपके पॉइंट यहाँ लिखे हैं, आपको बस मेन मेन पॉइंट यहाँ याद करने हैं, और अगर आप एक बार देख लोगे ना, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, तो आपको सभी के सभी पॉइंट यहाँ पे याद हो ही जाएंगे। अब क्या था आपका जो ICC है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इन्होंने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं देने के लिए, कि जो भी कोई क्रिकेटर है जो अच्छा खेल दिखाएगा पूरे मंथ के टाइम में, उसे ये अवार्ड मिला करेगा। ये आपका स्टार्ट हुआ है राइट फ्रॉम जनवरी 2021, तो अभी तक आपके 4 ही अवार्ड दिए गए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में। ठीक है, जिसमें अगर बात करूँ जो आपके ऋषभ पंत हैं, इनको फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट जब बोलूँ आपका इनॉग्रल जो था मेरे पास, जो फर्स्ट टाइम आपका ये प्राइज मिला है, किसको मिला है यहाँ पे आपका ऋषभ पंत को, जो कि कहाँ के हैं आपके, इंडिया के। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छा खेला, अच्छा वहाँ अच्छे तरीके से इंडिया मतलब अच्छा स्कोर किया, इंडिया को मैचेस जिताए, तो इसलिए इनको मिला यहाँ पे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूँ नेक्स्ट मंथ आपको मिला है फरवरी में, मिला है यहाँ पे रविचंद्र अश्विन को। ठीक है, आपका जो मार्च है, मार्च मंथ में मिला था आपका भुवनेश्वर कुमार को। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सिर्फ इंडियंस को ही मिलता है, आपके रविचंद्र अश्विन ने फरवरी में अच्छा खेल दिखाया, भुवनेश्वर ने आपका मार्च में दिखाया, फिर अप्रैल में मिला यहाँ पे आपका बाबर आजम को, जो कहाँ के हैं आपके, पाकिस्तान के। तो बाबर आजम को मिला है यहाँ से आपका मेरे पास क्या, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अप्रैल मंथ के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में आपका शबनील इस्मेल जो है, इनको प्राइज मिला है आपका मेरे पास ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी मंथ में। कब मिला यहाँ पे आपका, जनवरी मंथ में। क्यों मिला है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ये फास्ट बॉलर है जिन्होंने आपकी 7 विकेट ली है इन ODI सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और 5 विकेट ली है यहाँ पे आपका सेकंड
T20 इंटरनेशनल में, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। अगर इसके अलावा बात करूँ, ये तो हो गया यहाँ पे आपका कि जनवरी मंथ में किस फीमेल को मिला है। अगर बात करूँ यहाँ से आपका कि फरवरी में किसको मिला है, तो फरवरी में मिला है यहाँ पे आपका फीमेल का नाम था आपका टैमी। क्या नाम था आपका यहाँ पे? टैमी नाम था, जो कि कहाँ की थी आपकी? इंग्लैंड की, पूरा नाम याद नहीं है। इनको मिला है यहाँ पे मेरे पास कि आपका प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। थर्ड आपका यहाँ पे लिजेले थी मेरे पास, ठीक है, और ये कहाँ की थी आप एक बार देख लेना, मार्च मंथ में, और आपका अप्रैल में शायद ऑस्ट्रेलिया की अलाइसा एलिसी को मिला हुआ है, ठीक है, आपका ये प्राइज यहाँ मिला हुआ है। तो आप लोग एक बार ये पॉइंट जो है साथ साथ नोट करते जाओ, ठीक है, आपके लिए ज़रूरी है। जब हम आपका फरवरी मंथ या मार्च मंथ का क्रिकेट के रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा। अब ये हम करंट अफेयर क्यों पढ़ रहे हैं आपका हर मंथ का ना, स्पोर्ट्स के रिलेटेड, क्योंकि जो आपको एसआई का एग्जाम है, कंपाइलर का एग्जाम है, उसमें एक कंपोनेंट और ऐड है जिसका नाम है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए अब क्या है आपका IHAI, क्या नाम था यहाँ से आपका? IHAI, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन्होंने आपका हम बोल सकते हैं कि लद्दाख में शायद आपका ये ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, टूर्नामेंट, जिसमें जो आपके विनर थे वो कौन थे आपके यहाँ पे? ITBP, ठीक है, इंडो टिबेटियन पुलिस बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है, और रनर अप कौन थे यहाँ पे आपके? लद्दाख। कौन थे आपके यहाँ पे? लद्दाख की टीम जो थी वो क्या थी यहाँ पे आपकी? रनर अप। ये कहाँ पे हुआ? गुलमर्ग में, गुलमर्ग की जो आपकी आइस रिंग है वहाँ पे ये आपका मैचेस खेलेंगे, ठीक है। और आपकी जो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उनके प्रेसिडेंट कौन है आपके यहाँ पे? KL कुमार। कौन है यहाँ से आपके मेरे पास? KL कुमार जो है वो क्या है यहाँ पे आपके? प्रेसिडेंट है। आइस हॉकी इज ए स्पोर्ट दैट इज स्लोली गेनिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया। इंडिया में आपकी पॉपुलैरिटी मिल रही है आइस हॉकी को। और ये कहाँ पे खेला जाता है? हम बोलेंगे लद्दाख में, उत्तराखंड में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, इन देशों में आपका जो है मेरे पास, आप बोलो जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ पे आपका जो है ये सब जो गेम है आइस हॉकी ये खेली जाती है। तो इसका मतलब है जो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उनके जो मेंबर हैं वो भी आपकी यही स्टेट यहां पे एग्जिस्ट करेगी। और कहां पे आपको ऑब्वियसली बात है कि वहां पे आपका कोल्ड वेदर होना चाहिए, आपकी बर्फ होनी चाहिए, तभी आपके वहां मैचेस खेले जा सकते हैं। क्लियर? सो गाइस, ये थे आपके जनवरी के स्पोर्ट्स के रिलेटेड करंट अफेयर। नेक्स्ट क्लास में आपको फरवरी के जो मंथ के करंट अफेयर हैं उनके ऊपर वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जितना भी हमारी तरफ से हो पा रहा है आप लोगों की हेल्प की जा रही है, बस आप लोगों का काम क्या है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर आपने देने हैं, और आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि साथ साथ जब भी वीडियो अपलोड हुआ करे आपको नोटिफिकेशन आ जाए करे। क्लियर? सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लेट टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।